गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। और इस समय की क्या करंट एनर्जीज़ है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। तो सबसे पहले कहना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, किसी वन पर्सन की रीडिंग नहीं है। तो अगर रीडिंग रेजोनेट करे तभी इस रीडिंग को कम्प्लीटली देखें। तो क्या है आपके पर्सन की इस समय की करंट एनर्जीज, इस समय वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेकर। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और ये जो रीडिंग है वो सभी लोग देख सकते हैं। मतलब काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं मैरिड हूँ मैं देख सकता हूँ, मैं अनमैरिड हूँ मैं देख सकता हूँ, मैं बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड है तो हम देख सकते हैं। आप कोई भी रिलेशन हो सकता है आपका, वो आप कोई भी रिलेशन में आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एनर्जीज़ को देखिए कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ है आपको लेकर, ठीक है। मिल नहीं पा रहे हो आप, आई थिंक एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, मिल नहीं पा रहे हो आप, ठीक है। ना मिल पाने की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है। जानबूझकर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, जानबूझकर ये जो है वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इनके अंदर दिल में फीलिंग्स हैं आपको लेकर, बहुत लविंग फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत प्यारी फीलिंग्स आ रही हैं, लेकिन जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहे हैं, जानबूझकर आपको सता रहे हैं। मुझे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है एनर्जीज़ को देखकर कि मतलब इनको पता है कि आप जो है वो इनके बिना बात करके नहीं रह पा रहे हो, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये आपसे बात नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन तो रहा है, बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कुछ चीज़ें ऐसी भी जो आपस में आप लोगों के बीच में नाराज़गी हो गई है। अच्छा खासा रिलेशन है लेकिन नाराज़गी हो गई है और ख़ुद परेशान हो रहे हैं आप लोग। आपकी जो पर्सन है मैं देख रही हूँ इस समय वो सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं। जो ये एनर्जीज़ आ रही है इसमें पास्ट के बारे में सोचना, आपके बारे में सोचना, अपने रिलेशन के बारे में सोचना। एंड यहाँ पर देख रही हूँ मैं कि हो सकता है कि इन्होंने आपको हर साइड से ब्लॉक कर दिया हो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या फिर अनब्लॉक पूरी तरीके से कर भी रखा हो लेकिन ये बात नहीं कर रहे। मैं ये भी देख रही हूँ कि ब्लॉक कुछ एनर्जीज़ में तो ब्लॉक कर दिया है प्रॉपर तरीके से, बट सब एनर्जीज़ ऐसी हैं कि अनब्लॉक जो है वो अनब्लॉक करके भी जो है ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि मन नहीं लग रहा था, या बहुत ज़्यादा आपको आपकी फ़ोटोज़ नहीं देखी थी काफ़ी टाइम से, या फिर आपको देखा नहीं था, तो इस वजह से इन्होंने आपको अनब्लॉक भी कर दिया। क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत दिनों तक नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अभी मैं देख रही अभी भी कुछ नाराज़गी है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज़ मुझे यहाँ पर आपके जो पर्सन है उनमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर थर्ड पर्सन का भी दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी का भी दिखाई दे रहा है। और ये जो थर्ड पर्सन है इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो गेट है पूरी तरीके से इसको बंद किया हुआ है, बट आपके पर्सन जो है ना इस एनर्जीज़ को तोड़ना चाहते हैं। जो एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है पूरी तरीके से अनब्लॉक करना चाहते हैं, आपके और अपने बीच के रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। डिस्टर्ब एनर्जीज़ आ रही हैं, वो पूरी तरीके से जो ब्लॉक एनर्जीज़ है उनको अनब्लॉक करना चाहते हैं। मतलब वो आपसे दोबारा से बात करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशन को दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। फीलिंग्स में इनके बहुत ज़्यादा आपको लेकर मोहब्बत है, फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा लव दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्टर्ब हो रही हैं आप दोनों के बीच में। इस समय नो कॉन्टैक्ट दिखा रहा है, आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे ये भी दिख रहा है। कुछ में वन साइड सिंगल वन साइड मैरिड हो सकते हो, वो डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो सकते हो। कुछ में रिलेशन आपका मैरिड से रिलेटेड या फिर लिव इन से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फीलिंग्स एक होने के बाद भी ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, या फिर किसी एक्स की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन बार बार इनको आप ही के बारे में सोचना, बार बार इनका दिमाग आपकी तरफ लगना, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी बराबर पास्ट को मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट कर रहे हैं। मतलब हर टाइम जो है ना वो एक याद होती ना कि मतलब हमने ऐसे किया था, हमने कमिटमेंट दिया था, या फिर मैंने उसका सही नहीं किया, या हमारी लड़ाई हो गई थी, या हमारी आर्गी हो गई थी, या फिर ये बात इसने ऐसा क्यों, मतलब एक बात को लेकर बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कोई बात है आप दोनों के बीच में, कोई इशू है आपकी बात, या तो फैमिली का इशू है या कुछ भी है उसको लेकर बैठे। एक फियर भी दिखाई दे रहा है कि भाई इतना फियर हो रहा है कि उस फियर से निकलना तो उन्हें प्रॉपर तरीके से खुद को ही पड़ेगा। और ये फियर जो दिख रहा है वो फैमिली का फियर दिख रहा है, तो फैमिली के फियर से भी निकलना पड़ेगा। स्ट्रेस मुझे इनके दिमाग में दिखाई दे रहा, तनाव इनको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये भी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सौरों का कार्ड है जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि मूव ऑन करने के बाद भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ कि मूव ऑन चाहते हैं कि मैं मूव ऑन कर लूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बहुत हो रही है आप दोनों के बीच में। कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही हैं, दूसरी चीज़ थर्ड पर्सन का है कुछ। देखो थर्ड पार्टी यहाँ पर जो मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है वो थर्ड पार्टी या तो फ्रेंड सर्कल से दिख रही है, जो ऐसी बातें करके आप लोग को अलग कर रही है, जो चीज़ें वो आप समझ रहे हो कि हाँ ये चीज़ कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें की जो ये इतनी अच्छी दोस्ती होने के बाद भी, इतना अच्छा रिलेशन होने के बाद भी आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। आज उदास बैठे हुए हैं और उदास बैठकर पूरी तरीके से आप ही के बारे में सोच रहे हैं। तो मूव ऑन कर लिया है लेकिन मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। ढंग से मूव ऑन कर नहीं पाएंगे, इसीलिए बार बार आप ही के बारे में सोचते हैं, बार बार आपके ही दिमाग में, आप ही इनके दिमाग में बार बार आते हो, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो फीलिंग्स में इनके रीयूनियन है। अगर आप मुझसे ये बोलोगे कि मैम कॉन्टैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि कॉन्टैक्ट डेफिनेटली करेंगे, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ पॉलिटिक्स दिख रही है और वो पॉलिटिक्स ही आप लोगों को दूर कर रही है। और यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे मैंने बोला फ्रेंड सर्कल या फिर फैमिली इशू दिखाई दे रहा है बहुत हद तक, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और उन चीज़ों की वजह से ही आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस है। तो कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट करेंगे, लेकिन जो इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं वो इशूज़ जो हैं वो दूर होने चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए इशूज़ का, तभी चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से ठीक होंगी। सो अगर आपको पर्सनली गाइडेंस लेनी है तो वीडियो पर ही नंबर मिल जाएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।